हेलो फ्रेंड, वेलकम टू AKS वर्ल्ड न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहां पे देख सकते हैं इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में कुछ पदों पर वैकेंसी आई हुई है, ताकि इसी के बारे में रिगार्डिंग आप लोग को बताने वाला हूं कि इसमें कितने पदों पर वैकेंसी है, इसका एज सैलरी क्वालिफिकेशन सब क्या होने वाला, कब तक आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसका नोटिफिकेशन 27 जुलाई 2019 को जारी कर दिया गया है। तो आज के वीडियो में ये पूरा डिटेल मैं आप लोग को बताने वाला, तो वीडियो में बने रहिएगा ताकि आप लोग का फुल डिटेल मालूम चल सके। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब की अपडेट आप लोगों को देते रहते हैं। और इसके अलावा भी अगर आप गवर्नमेंट जॉब से लेटेस्ट वीडियो देखना चाहते हैं, जो कि अभी न्यू कौन कौन सा गवर्नमेंट जॉब आया हुआ है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है, और यहाँ आई बटन भी आपके मोबाइल में शो कर रहा होगा, वहाँ से भी आप जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर भी लिंक मैंने दे दिया है। तो देख सकते हैं यहाँ पर टेक्नीशियन भी, ट्रेडमैन भी, तकनीकी सहायक भर्ती, तो इसके रिगार्डिंग क्या क्या है यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन से पोस्ट पे यहाँ पे वैकेंसी है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे, तकनीकी भी, ट्रेडमैन भी लखनऊ के लिए इलेक्ट्रॉनिकी मैकेनिकल मैकेनिक के लिए यहाँ पे एक पद है अनारक्षित के लिए। और वहीं इसकी बात करें आवश्यक न्यूनतम अर्हता के, तो SSLC SSC मैट्रिकुलेशन NCVT से इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक इलेक्ट्रॉनिकी मैकेनिक में ITI या NTC या NC आपका होना चाहिए। और इसका चयन का प्रक्रिया किस प्रकार का होगा, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं, लिखित परीक्षा एवं कौशल परीक्षा के आधार पर होगा। फिर विद्युत में बात करें तो इसमें भी एक पोस्ट है अति पिछड़ा वर्ग के लिए, इसमें भी आपका जो है क्वालिफिकेशन जो है वही होने वाला है SSLC SSC मैट्रिकुलेशन NCVT से विद्युत ट्रेड में ITI NTC या NSC ये आपका होना चाहिए। फिर देखने थे तकनीशियन भी, ट्रेड में तकनीकी सहायक पोर्टब्लेयर के लिए, तो इसमें फीटर का एक पोस्ट है अनुसूचित जाति जनजाति के लिए। और फिर यहाँ पे देख सकते हैं इसका आप लोगों का जो है क्वालिफिकेशन वही रहने वाला है, लिखित परीक्षा कौशल के आधार पे होगा। और तकनीकी सहायक के लिए भी एक पोस्ट है, यह अति पिछड़ा वर्ग के लिए है। इसमें देख लीजिए मान्यता प्राप्त संस्थान, बोर्ड, विश्वविद्यालय से तक इलेक्ट्रॉनिक एवं दूरसंचार, इलेक्ट्रॉनिक एवं संचार अभियांत्रिक, इलेक्ट्रॉनिक एवं यंत्रीकरण अभियांत्रिक में प्रथम श्रेणी डिप्लोमा आपका होना चाहिए। आयु सीमा की बात करें तो मिनिमम आपका 18 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम 35 वर्ष होना चाहिए। और यहाँ पे कैटेगरी वाइज आप लोगों का एक का जो छूट मिलता है वो आप लोगों को 3 या 5 वर्ष का यहाँ पे दिया जाएगा। और इसमें सिर्फ इंडिया के ही अप्लाई जो नागरिक हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, कितने में होता है नेपाल वाले कर सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ इंडिया वाले ही करेंगे। वेतन भत्ते की बात करें तो यहाँ पे तकनीशियन भी या ट्रीटमेंट भी के लिए तो यहाँ पे 21,700 रुपये आपको होने वाला है। वहीं तकनीकी सहायक की बात करें तो 44,900 रुपया यहाँ पे आप लोगों का होने वाला है। उसके बाद यहाँ पे चयन प्रक्रिया देख लें तो चयन प्रक्रिया बताया केवल प्रारंभिक छटनी में योग्य पाए गए अभ्यर्थियों के लिए लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी यहाँ पे। फिर आवेदन के लिए यहाँ पे बताया गया, तो यहाँ पे आवेदन का स्टेप टू स्टेप यहाँ पे देख सकते हैं कि आवेदन के बारे में बताया गया, आप इसको पढ़ लीजिएगा। ऐसे मैं इसके जो भी पोस्ट है इसके आवेदन के लिए लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से भी आप डायरेक्ट उस लिंक पर क्लिक कीजिएगा तो आपको डायरेक्ट ओपन हो जाएगा अप्लाई करने का लिंक। चार पोस्ट है, चारों के लिए अलग अलग लिंक है, चारों का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। तो उसके बाद फिर यहाँ पर हम बात करते हैं आवेदन शुल्क की, तो जनरल OBC और EWS के लिए 250 रुपये देना है और SC ST को यहाँ पर कोई भी फीस नहीं देना है। उसके बाद फिर हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर सामान्य शर्तें कुछ यहाँ पर बताया गया है, जिसको क्या पे पढ़ लिया, केवल ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे, हार्ड प्रति में भेजे गए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे, ऑनलाइन आवेदन ही आपको यहाँ पे करना होगा। उसके बाद यहाँ पे बताया गया ऑनलाइन आवेदन प्रारंभिक करने की तिथि 29 तारीख से ही स्टार्ट हो चुका है और ये 19 तारीख आपका अगस्त लास्ट डेट रहेगा दोपहर 12 बजे तक। शुल्क भुगतान करने की भी तिथि आपको 19 तारीख ही रखा गया 19 अगस्त, और शुल्क भुगतान एवं चालान के प्रोसेस के लिए आपको यहाँ पे 26 तारीख तक इसका समय दिया गया, जो ये भी इसका ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक यहाँ पे दे दिया गया है, और इसके नोटिफिकेशन का ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आप लोग जो लोग भी इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं नीचे लिंक है वहाँ से जाकर अप्लाई कर लीजिएगा। और अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब की अपडेट आप लोगों के लिए लेकर आते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।